जितने भी लोगों से मेरी खंडवा में बात हुई, सबसे ज़्यादा जो एक लोग परेशानी जूझ रहे हैं वो पीने के पानी की समस्या है। नर्मदा जल परियोजना जो है 122 करोड़ की परियोजना थी, उस पर मेहनत की गई, सब कुछ किया गया, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आए दिन पाइपलाइन फूटने के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए आखिर आपकी सरकार इस वक्त क्या कर रही है, क्योंकि खंडवा के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या आई है। जो पाइपलाइन यहाँ डली है, तो पाइपलाइन कब फूटेगी, क्या फूटेगी, ये तो ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में। कोई प्रेशर कई बार आता है, ज़्यादा प्रेशर की वजह से भी हो जाता है। मैंने यही गुजारिश की थी आप सवाल बात रखने देंगे। रहा सवाल जी कि हमारे खेतों में भी पाइपलाइन है, तो खेतों की भी कई बार फूटती है, लेकिन कोई फूट गई तो इसके लिए कोई षड्यंत्र है या जानबूझ के पानी दिया है। हमारा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति के घर तक नल से जल पहुंचाना, और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ खंडवा ही नहीं पूरे देश की जनता के घर तक पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन के माध्यम से कर रही है। और क्योंकि खंडवा पिछले 20 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया है, और उसकी बदौलत खंडवा बहुत सारे चौओर खंडवा बड़ा है, और जिससे पानी की दिक्कत तो जो कुछ क्षेत्र में थी, तो उसके लिए 137 करोड़ रुपए की योजना फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार ने और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकृत किए, उसका काम भी चालू है। आने वाले समय में खंडवा के किसी भी घर में पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। नरेंद्र पटेल जी, अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये जो वादा कर रहे हैं, क्या आप उससे बेहतर विकल्प जनता के सामने रख सकते हैं इस वक्त? मैं सर्वप्रथम तो आपको ये बात बता दूँ, ये पानी की पेयजल की योजना खंडवा के लिए अरुण यादव जी सांसद थे, वो लेके आए थे। सर्वप्रथम झूठी इन्होंने बात झूठ से ही चालू की है, और इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि इसमें पीवीसी का पाइप डाल दिया गया, जबकि लोहे की पाइप की पाइपलाइन की बात थी, और वो पीवीसी का पाइप डला, और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि जगह जगह से प्रेशर लीक हो रहा है, जो पाइप होना चाहिए था वो आकार का नहीं है, और खंडवा की जनता को पानी पीने के लिए नहीं मिल पाया। ये 2012-13 की बात है, जो जब से 10 साल हो गए पूरे खंडवा को पानी नहीं मिल पाया अभी आज जी। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है कि खंडवा में कांग्रेस की सरकार जब थी तो रोज टैंकरों से पानी आता था, और उस पानी के टैंकरों में कितना भ्रष्टाचार होता था इस बात का नहीं, आप एक एक व्यक्ति से पूछो। मेरा इस वक्त सवाल ये है कि अगर नरेंद्र पटेल जी पानी यदि किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है।